और दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो पोर्टफोलियो शेयर करने से पहले थोड़ा डिस्क्लेमर दे देते हैं। तो मैं एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है के लिए है। और जो भी फाइनेंशियल मन जो भी मैं एडवाइस देने वाला हूँ या सजेशन देने वाला हूँ, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपना खुद से रिसर्च कर लीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कंसल्ट करके ही अपना पोर्टफोलियो में चेंज कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज के पोर्टफोलियो की तरफ। सुबल सुबल प्रधान जी का कमेंट आ रहा है कि SIP अमाउंट है 11,000 रुपये, एक्सिस स्मॉल कैप में है, पराग पराग फ्लेक्सी कैप में है, मेरा ऐसे लार्जर मिड कैप में है, इन्वेस्टको कॉन्ट्रा फंड में है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है 15 ईयर्स का। तो यहाँ पे इनका दूसरा कमेंट में ये अपना एलोकेशन दिया हुआ है 2,000 है एक्सिस स्मॉल कैप में, पराग पराग फ्लेक्सी कैप में 3,000, मेरा ऐसे लार्जर मिड कैप में 3,000 और इन्वेस्टको कॉन्ट्रा फंड में 3,000। ठीक है, तो टूल में चलते हैं, डालते हैं, देख सकते हैं एक्सिस, इन्वेस्टको, मेरा ऐसे लार्जर मिड, पराग पराग फ्लेक्सी। तो टोटल इनका 11,000 का SIP चल रहा है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो का हेल्थ थोड़ा चेक कर लेते हैं। चार फंड है जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कम ही अमाउंट ऑफ फंड्स है। कैपिटलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देख सकते हैं 46 और 14, 60% एलोकेशन लार्ज कैप में है जो कि काफी ज्यादा है। एलोकेशन में एटलीस्ट जो अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो 50% रखना चाहिए, अगर मीडियम इन्वेस्टर है मतलब मॉडरेट इन्वेस्टर है तो 40%, और अगर एग्रेसिव या अल्ट्रा एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो 20% से काम चल जाएगा। ठीक है, ये 60% काफी ज्यादा है। 32% है मिड कैप में और ना के बराबर है स्मॉल कैप में, स्मॉल कैप में है ही नहीं 8%, जो कि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टिंग है लार्ज कैप में। और सेक्टर में देख सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में है 27%, बहुत ज्यादा है, 20 के करीब रहना चाहिए, 20 से कम या 20। टेक्नोलॉजी 10, सर्विसेज 10, हेल्थ केयर में है, एनर्जी में है, ऑटोमोबाइल्स, मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन। तो इसका पहला और थर्ड का डिफरेंस 10 से कम होना चाहिए, 10% से कम होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस 17% है, करीबन 18%, 17% है, काफी ज्यादा है, इसको सुधार करने का जरूरत है थोड़ा। होल्डिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। HDFC बैंक है, ICICI बैंक, HCL, एक्सिस बैंक, इंफोसिस, NTPC, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, बजाज होल्डिंग, स्टेट बैंक, ITC, सारे जायंट कैप्स है। मैं कोई कोई मिड कैप स्मॉल कैप है ही नहीं इसमें। देखिए सारे जायंट कैप, टॉप होल्डिंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जायंट जायंट माइक्रोसॉफ्ट, US को, ये वाला पराग पारिक से आ रहा है, मेटा भी पराग पारिक से आ रहा है, टाटा मोटर्स को, कोटक महिंद्रा, L&T, मारुति सुजुकी। तो इतना जायंट रखेंगे ना तो अपना आप पोर्टफोलियो में ग्रोथ नहीं दिखेगा। जब मार्केट बुल मार्केट में ऊपर ऊपर जाएगा, आपका पोर्टफोलियो आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर ऊपर जाएगा। मतलब जैसे स्मॉल और मिड कैप्स में रखते हैं, स्मॉल और मिड कैप्स मेनली आपके पोर्टफोलियो के में ग्रोथ देता है। जब बुल मार्केट रहता है ये स्मॉल और मिड कैप्स छलांग लगा के ऊपर जाते हैं ऐसे ऐसे करके, और जब लार्ज कैप के बारे में बात करो ऐसे करके जाता है आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ही टाइम लेता है ऊपर जाने में। ये नीचे आते भी टाइम लेता है, ऊपर ऊपर जाते भी टाइम लेता है। ये हाथी का चाल चलता है, एलिफेंट हाथी का चाल चलता है लार्ज कैप फंड्स। तो लार्ज कैप हम लोग रखते हैं बस स्टेबिलिटी के लिए अपने पोर्टफोलियो में, और अपने ग्रोथ के लिए स्मॉल और मिड कैप का एलोकेशन जरूरी है। नीचे चलते हैं तो पराग परिका के कारण इनका USA में एलोकेशन है और बाकी सब मैक्सिमम एलोकेशन इंडिया में ही है। तो हम लोग कैसे क्या चेंज कर सकते हैं इसमें? जो चेंज कर सकते हैं हम लोग, तो मिड कैप वहां पे नहीं था पहले के, मिड कैप नहीं था, मैक मिड कैप लेके आ गया। ठीक है, एक महिंद्रा, एक स्मॉल कैप, एग्रेसिव स्मॉल कैप का जरूरत है इस पोर्टफोलियो में, महिंद्रा मानुला स्मॉल स्मॉल कैप लिया हूं मैं। पराग पराग इनका 3,000 रुपये चल रहा था, 3,000 रुपये रहने दिया मैंने। इन्वेस्टको कॉन्ट्रा फंड में 3,000 रुपये का कोई जरूरत नहीं है। आप इन्वेस्टको क्यों चूज किया मुझे पता नहीं, कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया रहा होगा आपका। आइडियली कॉन्ट्रा फंड जो है, कॉन्ट्रा फंड बहुत ही एक अच्छा इन्वेस्टिंग अप्रोच रहता है फंड मैनेजर्स के तरफ से। कॉन्ट्रा मतलब जो कि मार्केट जहाँ पे ट्रेंडिंग चल रहा है, मान लीजिए मार्केट अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये कॉन्ट्रा मैनेजर्स क्या करेंगे अपने दूसरे तरफ में, मान लीजिए केमिकल या फार्मा स्टॉक्स में पैसा डालेंगे। ठीक है, ये एक अच्छा अच्छा इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी होता है। लेकिन कॉन्ट्रा फंड जो मार्केट में बेस्ट है उसका नाम है SBI कॉन्ट्रा फंड। ठीक है, ये बेस्ट कॉन्ट्रा फंड्स है इन द मार्केट, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। आप इन्वेस्टको क्यों लिए मुझे पता नहीं, अगर कोई पर्टिकुलर रीजन रहेगा तो रख सकते हैं, इसलिए मैं चेंज नहीं किया इसको, क्योंकि मुझे पता नहीं आपको अपने इन्वेस्टको लिया क्यों है। अगर अगर ऐसे ही ले लिया तो अब मैं बोलूंगा इन्वेस्टको को चेंज करके SBI कॉन्ट्रा ले सकते हैं आप, ये अपना अपने हिसाब से है, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप ले सकते हैं।
एक्सिस स्मॉल कैप में 2000 रुपये मैं रखने दिया, क्योंकि ये एक स्टेबल स्मॉल कैप फंड है, ठीक है, एक लो रिस्क स्मॉल स्मॉल कैप फंड है। 2000 रुपये इसका रिटर्न भी उतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी चल जाएगा एक्सिस स्मॉल का। महिंद्रा मैनुलाइफ को मैं इंट्रोड्यूस किया इसीलिए क्योंकि एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्मॉल कैप फंड है। आप लास्ट 1 ईयर में चेक कर लीजिएगा, 75% वन ऑफ द टॉप टॉप परफॉर्मिंग फंड है ये, ठीक है, इसको ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे लग दिया मैं 2500 रुपये, इन्वेस्टको को 3000 रुपये से कम कर दिया मैं, 1500 रुपये यहाँ पर कॉन्ट्रा फंड में, HDFC में जो नया फंड लाया वहाँ पे 2000 रुपये डाला, और एक्सिस बैंक में जो एक्सिस स्मॉल कैप में जो 2000 रुपये था वही कंटिन्यू कर दिया। तो टोटल इसका 11000 रुपये आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल कैप का पहले 8% था, 7% था, अभी एक अच्छा खासा 16% का एलोकेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। मैं ज्यादा एलोकेशन में चेंज नहीं कर पाया क्योंकि इनका पराग परिक का और कॉन्ट्रा फंड का एलोकेशन है, इसीलिए मैं ज्यादा ज्यादा चेंज नहीं किया हूँ। जॉइंट में देख सकते हैं 45% हो गया, पहले 60% था, अभी 45% है। इसको आइडियली 40% भी कर सकते हैं आप। मिड कैप में 38% है, जो कि ठीक है, ब्लेंड स्टाइल में दिखा रहा है। नीचे चलते हैं तो देख सकते हैं एक अच्छा जाइंट लार्ज और मिड कैप का, मिड कैप भी आ गया मेरे मेरे टॉप होल्डिंग्स में, अभी मिड कैप भी, दोनों मिड कैप आ गए हैं मेरा, बिरला सॉप और चोलामंडलम फाइनेंस, ठीक है। तो ऐसे करके आप थोड़ा अपना पोर्टफोलियो को चर्न कर सकते हैं, बस यही मैं समराइज कर देता हूँ मैं आपका पोर्टफोलियो का। इसको निकाल दीजिए ऐसे, मेरा ऐसे लार्जर मिड कैप का कोई जरूरत नहीं, इसके जगह पे मैं HDFC मिड कैप को लाया हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर भी लार्ज लार्ज कैप रखें आपका पोर्टफोलियो का लार्ज कैप का एक्सपोजर काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पराग परेख में ऑलरेडी लार्ज कैप का ज्यादा परसेंटेज रहता है, कॉन्ट्रा फंड में भी लार्ज कैप ले के रखते हैं ये लोग। एक्सिस जो स्मॉल कैप है ये भी लो रिस्क स्मॉल कैप है, लो रिस्क LR लो रिस्क स्मॉल कैप है, इसलिए लार्ज कैप का भी काफी एलोकेशन रहता है इसमें। तो इतना ज्यादा लार्ज कैप का में रहने में और फिर से लार्जर मिड कैप का जरूरत नहीं, एक प्योर मिड कैप लीजिए HDFC मिड कैप, ठीक है, और एक स्मॉल कैप का आपके पोर्टफोलियो में काफी जरूरत है जो कि हाई रिस्क स्मॉल कैप होगा, उसके लिए महिंद्रा मैनुलाइफ को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अपना खुद का रिसर्च कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए गाइस तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपना पोर्टफोलियो शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, रिसेंट वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिए तो आसानी रहता है पिक करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।